नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। कोरोना वैक्सीन पर सबका अधिकार, कोरोना वैक्सीन पर संपूर्ण देश का अधिकार, कोरोना वैक्सीन पर संपूर्ण देश का अधिकार। चुनाव नहीं तो भाव नहीं, कोरोना वैक्सीन पर संपूर्ण देश का अधिकार, कोरोना वैक्सीन पर संपूर्ण देश का अधिकार, देश का अधिकार, देश का अधिकार। माहौल ना बनाए, वैक्सीन को चुनावी हथियार ना बनाए, कोरोना वैक्सीन को चुनावी। कोरोना वैक्सीन पे सबका अधिकार, कोरोना वैक्सीन पे सबका अधिकार। माला हाथ में दीजिए, हाथ में ले कोरोना वैक्सीन पे सबका अधिकार, सबका अधिकार, कोरोना वैक्सीन पे सबका अधिकार। वैक्सीन को चुनावी अधिकार ना बने, कोरोना वैक्सीन को चुनावी हथियार ना बने। मैं रविकांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी। आज हम सभी नौजवान बनारस की आम जनता को, दुकानदार को, राहगीरियों को माला पहना के, टीका लगा के उनके सलामती के लिए प्रार्थना किया गया। ये कार्य इसलिए किए क्योंकि इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार के चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में उन्होंने ये कहा है कि यदि हम चुनाव जीतेंगे तो बिहार को सबसे पहले निशुल्क कोरोना वैक्सीन देंगे, यानी कोरोना का टीका देंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जीने का अधिकार संपूर्ण देश को है, यहाँ के सभी लोगों को है। तो किसी को जीने और मरने का वास्ता देके, टीका का वास्ता देके उन्हें ब्लैकमेल न करें। इसलिए हमारी औकात नहीं है कि हम कोरोना का वैक्सीन दे सके, कोरोना का टीका दे सके। इसलिए इस नवरात्र में हम लोगों ने माँ दुर्गा का टीका लोगों को लगा के उनकी सलामती के लिए प्रार्थना किया। और भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि जान का वास्ता देके चुनाव मत लड़िए, चुनाव विकास के नाम पर लड़िए।